राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर बीआरओ ने निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर की गलवान घाटी से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर अतिथि शिरकत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की गलवान घाटी से 3 मोटर पुलों का लोकार्पण किया। वहीं वर्चुअल माध्यम से उन्होंने इस लोकार्पण की शुरुआत की। ग्वालदम से सिमली तक बीआरओ द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों में से लोल्टी मोटर पुल पर लोकार्पण किया। तो वहीं कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पहुंची। वहीं थराली के सिमलसैंण में निर्मित पुल के लोकार्पण में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल समेत ओसी शिवम अवस्थी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चमोली से नीरज भंडारी की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है। और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे।